तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा साहब, स्वागत में दो शब्द कहें। परम आदरणीय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, आदरणीय हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी जी, एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी बावर जितेंद्र सिंह जी, सीडब्ल्यूसी के मेंबर हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय सचिन पायलट जी, पी रमेश साहब, मीडिया के हमारे चेयरपर्सन मोहन प्रकाश जी, आदरणीय हमारे तिवारी साहब, आदरणीय मुकुल वासनिक साहब, जयराम रमेश जी साहब, हमारे सारे के सारे जितने भी नेता मंच के ऊपर मौजूद हैं, एआईसीसी से पधारे हैं, आप सब पत्रकार बंधुओं का इस हमारे घोषणा पत्र के लॉन्चिंग पे हमारे खड़गे साहब के कर कमलों से होगा, उसके अंदर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं केवल एक बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो कहती है वो करती है। पहले हमारा पिछला जो घोषणा पत्र था उसको सबसे पहले हमने पहली कैबिनेट की बैठक में सरकारी दस्तावेज बनाया और उसके बाद में उसी को इम्प्लीमेंट करते हुए आज हम गर्व से कह सकते हैं कि जो हमारा पिछला घोषणा पत्र था वो 98% से भी ज्यादा हमने पूरा किया है। और उस घोषणा पत्र के अलावा भी हमने जो 10 प्रकार की सरकार ने गारंटी दी, महंगाई राहत कैंप लगाए जो जनता को लाभ पहुंचाया और जनता को महंगाई से राहत दी, और फिर 7 गारंटियां हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री जी ने कही है, ये हमारी कांग्रेस की सोच है कि हम सबको साथ लेकर के सब पूरे प्रदेश के लोगों को संबल देने का काम करते हैं, हर वर्ग को कैसे ऊपर उठे, कैसे वो आराम से अपना जीवन यापन कर सके और अच्छी प्रगति कर सके, उस दिशा में हमारी कांग्रेस पार्टी चलती है। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे राजस्थान प्रदेश में हमारे यशस्वी नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जो हमारे राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उनके और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके कर कमलों से आप सबकी मौजूदगी में ये जन घोषणा पत्र आज लॉन्चिंग हो रहा है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते कि कांग्रेस की सरकार 100% राजस्थान में बन रही है। हमने पहले की भांति जन घोषणा पत्र को हमारी पहली कैबिनेट में इसको सरकारी दस्तावेज बनाएंगे और इसको 100% लागू करके दिखाएंगे और जनता को राहत प्रदान करेंगे। मैं पुनः खड़गे साहब का और तमाम जितने भी हमारे सीनियर लीडर्स आए हैं उनका और पत्रकार बंधुओं का और जितने भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं उनका सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। धन्यवाद सर। मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी। मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे जो मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन है आदरणीय सीपी जोशी साहब, आप संबोधित करें और प्रकाश डालें। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानी खड़गे साहब, राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्मानी गहलोत साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डोटासरा जी, मंच पर बैठे हुए मेरे साथ अन्य वरिष्ठ नेतागण, उपस्थित भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, मुझे घोषणा पत्र के अध्यक्ष के रूप में इस घोषणा पत्र के डॉक्यूमेंट को आप सबके सामने माननीय अध्यक्ष महोदय जी के कर कमलों से समर्पित करने का जो सौभाग्य मिला है उसके लिए मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लंबे समय तक 2030 का विजन लेकर राजस्थान के अलग अलग सेक्शन के लोगों के साथ इंटरेक्ट किया, करीब 3.5 करोड़ लोगों ने अपने अपने सजेशन दिए। मोटे तौर पर
ये जो हमारा घोषणा पत्र है मिशन 2030 को लेकर जो हम चल रहे हैं उसको आधार बनाकर हमने इसको बनाया है। आपने स्वयं में देखा होगा कि सरकार ने 10 गारंटी दी और उसके बाद हमने 7 गारंटी दी और हमने निर्णय किया है कि जो 2030 का जो विजन है हमारा उसकी कुछ प्राथमिकता को हम प्राथमिकता के आधार पर लेंगे। ये घोषणा पत्र पूरा डॉक्यूमेंट जब आपके पास आएगा तब आपको डिटेल सब चीजें मिल जाएगी किस तरह से हमने इस डॉक्यूमेंट में किन किन सेक्टर में किस तरह से हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। मैं खास तौर से ये कहते हुए मुझे प्रसन्नता है कि राजस्थान की सरकार को और अशोक जी गहलोत को ये सबसे बड़ा श्रेय जाता है कि उन्होंने जन घोषणा पत्र को आधार बनाकर गवर्नेंस किया। चाहे पहली बार सरकार बनी चाहे दूसरी बार सरकार बनी चाहे तीसरी बार सरकार बनी हमारा घोषणा पत्र एक डॉक्यूमेंट जो होता बाइबल की तरह कैबिनेट में पास करवाकर हमने राजस्थान की जनता को बराबर हर समय उस घोषणा पत्र के आधार पर काम करके सत्ता में आने का काम किया। आज पुनः हम उसी विचार के साथ एक नया राजस्थान बनाने के लिए 2030 की कल्पना लेकर हम घोषणा पत्र को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। प्राथमिकता हमारी जो गारंटी है वो सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी और खास तौर से मुझे ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता माननीय अध्यक्ष जी कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार महिला को सशक्तिकरण कर और सम्मान करने के लिए जो निर्णय किया गया है कि हमारी गृह लक्ष्मी योजना के अंतर्गत हम हर गृह मुखिया को 10,000 रुपये प्रतिवर्ष जो उसको देंगे ये एक ऐसा अद्भुत निर्णय है जिसकी कल्पना वो लोग कर सकते हैं जिनके गरीब परिवार के चलाने का काम जो घर की मुखिया करती है किस तरह से वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करती है। मैं समझता हूँ कि हमारे समाज में से बहुत से परिवार हैं जिनको 10,000 रुपये की एक मुश्त राशि उपलब्ध भी नहीं होती है और उनको ब्याज पे पैसा लाना पड़ता है और तकलीफ में जिंदगी निकालनी पड़ती है। किस तरह से महिला हमारा घर का प्रबंधन करती है उसको सम्मान करने के लिए इस देश में पहली बार राजस्थान की सरकार जो निर्णय कर रही है उसके लिए मैं सबसे पहले आपसे कहना चाहता हूँ कि सबसे प्रमुख जो हमारी गारंटी है प्रतिवर्ष 10,000 रुपये एक मुश्त उनके खाते में हम डालेंगे ये हमारा सबसे बड़ा। दूसरा जो हमने कृषकों के लिए सबसे बड़ा काम किया है कि लंपी आते समय हमने देखा कि बहुत से कृषक परिवारों के गाय और भैंस जो उनके आमदनी का सोर्स था वो मर गई थी और उनको कंपेंसेशन देने के लिए हमने निर्णय किया था कि 45,000 रुपये एक मुश्त देंगे। कुछ काश्तकार उसका फायदा उठा पाए कुछ काश्तकार उसका फायदा नहीं उठा पाए। अब कामधेनु योजना के अंतर्गत हम जो सबसे बड़ा काम कर रहे हैं उनको आश्वस्त कर रहे हैं कि उनके जो दो पशु हैं उनका बीमा हम कराएंगे और किन्हीं कारण किसी पशु की डेथ हो जाएगी एक मुश्त 45,000 रुपये उसके खाते में ट्रांसफर करेंगे जिससे वो कृषक को विश्वास हो सके कि हम अपने उसके निर्णय करने के लिए उसकी जो जीविकोपार्जन का साधन है उसको संबल मिल सके। और एक बहुत बड़ा काम जो कर रहे हैं जो छत्तीसगढ़ में भी किया गया है कि गोधन जो हमारा है उसका जो गोबर है उसको 2 रुपये किलो में हम खरीदेंगे जिससे उसको और भी आर्थिक सहायता मिले और गांव के प्रति जो हमारी संवेदना है और हमारा जो कमिटमेंट है उसको हम रिफ्लेक्ट करेंगे। ये हमारी प्राथमिकता जो मोटे तौर पर मैंने कही ठीक उसी प्रकार जो हमारी नौजवान पीढ़ी के बच्चे हैं जो कॉलेज में पढ़ने आ रहे हैं उनको हम फ्री लैपटॉप देंगे जिससे वो लैपटॉप के माध्यम से शिक्षा के अपने स्तर को बढ़ा सके। ये हमारी प्राथमिकता जो है वो जो गारंटी की प्राथमिकता है। एक जो सबसे बड़ा ध्यान मैं आपको आकर्षित करना चाहता हूँ शहर और गाँव के बच्चे की जो शिक्षा के बीच में अंतर है उस अंतर में एक बहुत बड़ा कारण है इंग्लिश मीडियम का नीचे लेवल पर सरकारी स्कूल में इंस्ट्रक्शन नहीं होने के कारण बच्चों में जो गैप हो जाता है शिक्षा स्तर का उसको पूरा करने के लिए राजस्थान सरकार ने जो पिछले समय से निर्णय किया था हम जगह जगह अंग्रेजी स्कूल खोलेंगे। हम फिर आश्वस्त करना चाहते हैं कि जहां कहीं भी डिमांड होगी हम अंग्रेजी स्कूल खोलकर उन बच्चों के शिक्षा स्तर को बढ़ाने का भी काम करेंगे। गैस सिलेंडर के समय में आप सबको मालूम है कि हम गैस सिलेंडर के संबंध में हमारा कमिटमेंट है हमने उसको एनलार्ज कर रहे हैं और ज्यादा सेक्शन को इन्वॉल्व करके 500 रुपए में उनको गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे। अभी तक ये सुविधा केवल उज्ज्वला कनेक्शन वालों को थी अब उसको हम एनलार्ज करके और बड़े जो है हमारे नेशनल फूड सिक्योरिटी के जो बेनिफिशियरीज हैं उनको भी इसमें इंक्लूड करने का काम करेंगे। ओपीएस के संबंध में आप सबको मालूम है राजस्थान सरकार ने निर्णय लिया देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। अब हम कानून बनाकर आश्वस्त करना चाहते हैं कि ये कानून बनेगा जिसके कारण कोई भी सरकार आए उनको मैंडेटरी होगा इसको कानून का पालन करके उनकी ओपीएस की गारंटी दे सकें। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि ये 7 गारंटी मुख्यतः हमारे इलेक्शन में लोगों को आश्वस्त करने का है जो हम कहते हैं वो करते हैं। 10 गारंटी में हमने लोगों को महंगाई में साथ देने का काम किया है ये जो हमारी क्रेडिबिलिटी है
इस राजस्थान में कांग्रेस की जो साख है उस साख के आधार पर सात गारंटी का काम लेकर हम अपना नया 2030 का विजन लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और जो 2030 के विजन में जो साइलेंट फीचर हैं उसमें दो तीन चीज़ों को मैं आपके सामने हाईलाइट करना चाहूँगा। एक, किसानों को हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर मिनिमम सपोर्ट जो प्राइस है उसको देने के लिए हम अपने आप को कमिट करते हैं, हम उसके देने का मेहनत करेंगे। पहली बार किसानों को 2 लाख रुपये का बिना ब्याज का ऋण देंगे जिससे वो किसान अपने खेती के जो काम है उनके कारण काम कर सके, उसको वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने का काम करेंगे। उसमें 2 लाख रुपए की ब्याज की राशि उनको मुक्त करेंगे। नौजवानों के लिए हम एक नया काम करना चाहते हैं। आप सब जानते हैं कि हमारी यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, लोगों की एस्पिरेशन ज़्यादा है कि जॉब सरकारी जॉब मिले, नवाचार करना चाहते हैं। पहली बार राजस्थान में हम पंचायत स्तर पर भर्ती करने की एक नई योजना ला रहे हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पंचायत लेवल पर 73 अमेंडमेंट होने के बाद एजुकेशन का जो काम है वो मोटे तौर पर पंचायत स्तर पर होता है। प्राइमरी एजुकेशन है, यूपीएस एजुकेशन है, एक नया कैडर हम खड़ा करना चाहते हैं पंचायत राज का, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में 73-74 अमेंडमेंट के और फंड और फंक्शनरीज हैं उनका नया कैडर प्रस्तुत करना चाहते हैं। क्योंकि देश की आज़ादी के बाद स्टेट सर्विसेज का कैडर है, सेंट्रल सर्विसेज का कैडर है, लेकिन पंचायत सर्विस का कैडर नहीं होने से हम नए सिरे से पंचायत पर सर्विस कैडर करना चाहते हैं। उसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा, आपको याद होगा अशोक गहलोत जी की सरकार में हमने राजीव गांधी पाठशालाएं प्रारंभ की थी। राजीव गांधी पाठशाला जब हमने प्रारंभ की थी तब हमने निर्णय किया था कि जिस वार्ड में वार्ड पंच होगा एससी का होगा तो एससी का, एसटी का होता एसटी का, ओबीसी का होता ओबीसी का, महिला होगी तो महिला, उसी कैटेगरी को हमने राजीव गांधी शिक्षा मित्र बनाया था हमने और 1200 रुपये दिए थे। 25,000 एक साथ राजीव गांधी पाठशाला खोलकर हमने 25,000 अलग अलग वर्ग के लोगों को 1200 रुपये की नौकरी दी। आज उनको 56,000 रुपये मिल रहे हैं और अशोक जी गहलोत की सरकार ने जीवन भर उनको पेंशन देने का काम किया है। ये नवाचार हम पहले कर चुके हैं, उन्हीं नवाचार को आधार बनाकर हम राजस्थान में एक नया सर्विस केंद्र खड़ा करना चाहते हैं, जिससे पंचायत में जो हमारे नौजवान पीढ़ी के बच्चे हैं जिनके परिवार में कोई भी नौकरी में नहीं आया उनको भी सर्विस करने का अवसर मिल सके, और उनको सर्विस को धीरे धीरे हम आकर सरकारी नौकरी जो है उनके बीच में एक नया कैडर बनना चाहते हैं। पहले दे हैव टू रेंडर सर्विसेज पंचायत जिला सर्विस लेवल एंड आफ्टर ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दे विल बी एम्प्लॉय एज द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सो एक नया कैडर खड़ा करके जो हमारा कमिटमेंट है 10 लाख लोगों को रोजगार देना है, उसमें 4 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देना है, ये नया कैडर खड़ा करके हम इस हमारी प्रायोरिटी जो 2030 है उसके साइलेंट फ्यूचर को मैं आपके सामने हाईलाइट करना चाहता हूँ। मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपको, महिला सशक्तिकरण के बारे में लंबे समय से काम कर रहे हैं, कन्विक्शन करने के लिए कानून बनाए, उनको और सशक्ति करने का काम करेंगे। एक काम जिस पर हमारी पार्टी का नेतृत्व खड़गे जी, राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं, हम जाति जनगणना कराएंगे, ये हमारा कमिटमेंट है। सरकार आने के बाद हम जाति जनगणना कराएंगे जिससे उन जाति के लोगों को जिनको मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं है, आप गांव में जाएंगे समाज का ऐसा बहुत वल्नरेबल सेक्शन है जो शिक्षा से वंचित है, सड़क से वंचित है, पीने के पानी से वंचित है, उन लोगों को सरकारी सुविधा मिल सके, गवर्नमेंट का जो फंड है उनका डिवोल्यूशन इस आधार पर हो सके, इस पर्पज के लिए हम जाति जनगणना अपना कर समाज के सभी वर्गों को एक ही स्तर पर लाने का काम करेंगे। ये हमारा कमिटमेंट है जिसको हम प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। चिकित्सा स्वास्थ्य के संबंध में राजस्थान सरकार ने खुद ही निर्णय लिया है 25 लाख का बीमा कराने की फ्री का, अब उसको इनलार्ज करके 50 लाख तक का जो है सर कवर करने का हम काम करेंगे। मैं समझता हूँ कि बहुत सी चीज़ें माननीय मुख्यमंत्री जी हाईलाइट करेंगे, एक चीज़ और मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। पहली बार गाँव में ट्रेडर जो बिजनेस करता है उस बिजनेस करने वाले ट्रेडर को 5 लाख रुपए की बिना गारंटी के उनको हम पैसा देंगे, जिससे वो ट्रेडर अपने समाज को सर्विस सेंटर करता है। ये एक नया काम हम करना चाहते हैं जिससे समाज के लोगों को लग सके कि जो नीचे लेवल पर लोगों की नीड्स को पूरा कर रहा है उसकी वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए ट्रेडर की जो नीचे लेवल की कम्युनिटी है उसको 5 लाख रुपए तक बिना ब्याज का जो क्रेडिट कार्ड जैसा किसान का है वैसा कैसे किसान क्रेडिट कार्ड हम देने का काम करेंगे। एक नया काम जो राजस्थान की सरकार ने किया गिग वर्कर्स का, राजस्थान ने गिग वर्कर्स का कानून बनाया, हम उसको आगे बढ़कर एक नया काम करना चाहते हैं। राजस्थान में हमारे बहुत से नौजवान टैक्सी ड्राइवर के रूप में काम करते हैं, टेम्पो के रूप में काम करते हैं, एक गिग वर्क्स एक वर्क से जो एक्ट बना है उसमें एनलार्ज करके उनको भी ये सुविधा उपलब्ध कराएंगे जिनसे उनको सामाजिक सुविधा मिल सके। ये हमारे कुछ
नए प्राथमिकता के आधार पर जो 2030 का हमारा विजन है उसमें जो साइलेंट फ्यूचर है उसको मैंने हाईलाइट किया। माननीय मुख्यमंत्री जी डिटेल में आपको 2030 के विजन के बारे में 5 साल तक उन्होंने काम किया और राजस्थान सरकार ने जिस तरह की हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है वो इस बात का इंडिकेट करती है। हम राजस्थान की जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि गवर्नेंस का जो नया मॉडल हम ला रहे हैं, गवर्नेंस के मॉडल में सभी लोगों को भागीदारी कर समाज को आगे बढ़ाने का जो काम कर रहे हैं उस उद्देश्य से हमने ये जो हमने घोषणा पत्र रखा है उसमें प्राथमिकता रखी है, गारंटी रखी है, 7 गारंटी रखी है, साइलेंट फ्यूचर रखा है और 2030 एक नए राजस्थान को बनाने का हमारा संकल्प है। हम आशा करते हैं इस घोषणा पत्र के माध्यम से राजस्थान की जनता हमें मैंडेट देगी और हम अपने जो हमारे मैंडेट है उसके आधार पर राजस्थान के निर्माण का काम कर सकेंगे। मैं एक बार पुनः उन सब साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो मेरे साथ मैनिफेस्टो कमेटी में बैठकर उन्होंने काम दिया, उन्होंने सजेशन दिया, उनका आभार व्यक्त करता हूं। और 3.5 करोड़ लोगों ने राजस्थान के अलग अलग समाज के लोगों ने जो सजेशन देकर विजन का जो डॉक्यूमेंट बनाने में मदद की, मैं एक बार पुनः घोषणा पत्र का अध्यक्ष होने के नाते उनके प्रति भी आभार करता हूँ। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस कमेटी के सभी कार्यकर्ताओं के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आशा करता हूँ हम सब मिलजुल कर इस घोषणा पत्र के माध्यम से राजस्थान की जनता को आश्वस्त कर पुनः सत्ता में आकर जनता की सेवा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सीपी जोशी साहब, आपने घोषणा पत्र के मुख्य अंशों पर प्रकाश डाला, आपका बहुत बहुत आभार। मैं अब आमंत्रित करता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी अपने विचार प्रस्तुत करें। परम आदरणीय खड़गे साहब, गोविंद दत्ताचार्य जी, डॉक्टर सीपी जोशी जी, अध्यक्ष मैनिफेस्टो कमेटी, सचिन पायलट जी, जयराम रमेश जी, मुकुल वासनी जी, पवन जीतन सिंह जी, मोहन प्रकाश जी, नासिर हुसैन साहब, प्रमोद तिवारी जी, पवन खेड़ा जी, सुप्रिया सिंह, जीतू पटवारी जी, कर्नल रोहित सिंह जी और तमाम मेरे प्रेयर के साथी और भाई और बहनों, सबसे पहले मैं डॉक्टर सी बी जोशी को इनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा कि बहुत अच्छी मेहनत करी है, समग्र रूप में इसको पेश किया जा रहा है मैनिफेस्टो को। ये तो जब आपके हाथ में कॉपी आएगी, आप पढ़ेंगे तब इसका विश्लेषण करने का वक्त मिलेगा। अभी तो मैनिफेस्टो लॉन्च हो रहा है, साइलेंट फीचर आपको कुछ बताए हैं अध्यक्ष जी ने जो हमारे मैनिफेस्टो कमेटी के हैं, पर विस्तार से सब पॉइंट दिए गए इसके अंदर। और जैसा कहा गया कि जो मिशन 2030 हमने लॉन्च किया था, करीब 3,32,00,000 लोगों ने ऑफलाइन ऑनलाइन अपनी राय दी थी, उसका डॉक्यूमेंट तैयार करके हम लोगों ने उसको भी लॉन्च कर दिया, वो भी आधार है इस मैनिफेस्टो का, सारे पार्ट उसके अंदर आए भी हैं। मैं संक्षिप्त में आपको खाली इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी तो हम लोगों को जाना भी है टूर के अंदर, खड़गे साहब बता रहे हैं मैनिफेस्टो लॉन्च करने के लिए, उससे समझ सकते हैं कि कांग्रेस किस गंभीरता के साथ में मैनिफेस्टो को इम्पोर्टेंस देती है। हमारी गवर्नमेंट 25 साल पहले जब आई थी तो पहली बार मैंने प्रयोग किया, मैनिफेस्टो पार्टियां निकालती है चुनाव के बाद में, उनको कोई याद नहीं करता, पब्लिक भी याद नहीं करती थी। हमारी सरकार पहली सरकार थी जिससे मैंने मैनिफेस्टो को 98 के अंदर कैबिनेट की मीटिंग बाकायदा रखा और ये कहा इस मैनिफेस्टो के जो वादे किए हैं वो हमने जनता के सामने पेश किए थे, उसके आधार पर ये मैनिफेस्टो बना है। आपकी ड्यूटी चीफ सेक्रेटरी ड्यूटी है, अब आप मैनिफेस्टो जो है इसको आप किस प्रकार से अपने पास रखें, आधार पर फैसले हो सेक्रेटरीज के भी, कलेक्ट्रेट के भी और तमाम अधिकारी। मुझे याद है उस वक्त में एक्स्ट्रा कॉपी छपानी पड़ी थी, वो जमाना था। तो आप समझ सकते हैं कि मैनिफेस्टो को महत्व देने का काम देश के अंदर किसी ने किया पहली बार तो राजस्थान सरकार ने किया था, कांग्रेस सरकार ने किया था। और इसीलिए 96% तक हम मैनिफेस्टो पूरा कर पाए हैं, क्योंकि हमारी सोच जो है वो है कि वादा करो मत, ये खड़गे साहब भी कहते हैं, राहुल गांधी भी कहते हैं, करो मत करो तो निभाओ, पूरी झलक है कि हम 96 तक दे गए इसको। अब मैं आपको, वैसे तो मैंने कानून के अच्छे बनाए हैं, आज राजस्थानी चर्चा पूरे देश में हो रही है हमारे कानूनों की, हमारी स्कीमों की, हमारे गारंटीज की। पर कानून जो राइट टू हेल्थ का कानून देश में कहीं नहीं बना है,
मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट कहीं नहीं बना। गिग वर्कर्स एक्ट का तो मिस्टर मैथ्यू का आर्टिकल पढ़ा मैंने एक्सप्रेस के अंदर, उसने कहा कि ऐसा कानून हिंदुस्तान में हर राज्य में बनना चाहिए और दुनिया के मुल्कों में बनना चाहिए। राजस्थान जैसा कानून आप सोच सकते हैं, उस कानून के तो इम्पोर्टेंट है। पीपली की जो इश्यू बना रहे हैं, जो पूछो हिंदुस्तान में किस राज्य ने लोगों को अरेस्ट किया, कार्रवाई करी और कानून पा कर आजीवन कारावास, आजीवन कारावास हिंदुस्तान में कहीं नहीं पास हुआ जो हमने कानून बनाया है। पीपल लीग वाला भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, एडवोकेट्स का राय थी कि प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए, वो भी हमने पास कर दिया। अब रुक गया है राज्यपाल के बाद में, केंद्र के बारे में अलग बात है। किसानों की जमीनें कुर्क नहीं हो सके, अब आयोग बनेगा हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता के अंदर, सुनवाई होगी उसके बाद फैसला होगा। इस प्रकार का ये भी क्रांतिकारी कानून बनाएगा। अब मैं आपको संक्षिप्त में कहना चाहूंगा, ये जो हमारी स्कीम आ रही है एक के बाद एक, इसका आधार क्या है? क्योंकि ये स्वाभाविक क्वेश्चन होता है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक शानदार तो स्कीम आई है, शानदार गारंटी दी जा रही है। तो मैं कहना चाहूंगा आपको कि जो सामाजिक सुरक्षा हमारा मोटो भी है, सोशल सिक्योरिटी, हम तो मांग करते हैं केंद्र सरकार से, पूरे देश में राहुल गांधी जो लेके आए थे न्याय योजना 6000 वाली, उसका विस्तार करते हुए राइट टू सोशल सिक्योरिटी मिले देशवासियों, हर परिवार को दुनिया के मुल्कों की तरह मंथली पैसा मिले। हमने यहाँ 1 करोड़ लोगों को हम लोग पेंशन दे रहे 1000 रुपये। तो मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार से जो हमारी सोच है वो देश के लिए आवश्यक है। हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, कुपोषण यहाँ पर है, भूखमरी यहाँ पर है, कैसे आप बनोगे विश्व गुरु? इसको संभालो। पहले 4 कानून पास किए सोनिया गांधी जी ने और मनमोहन सिंह जी ने, राइट टू एजुकेशन, फूड सिक्योरिटी एक्ट, इंफॉर्मेशन और नरेगा का, 5वां कानून पास हो राइट टू सोशल सिक्योरिटी। राजस्थान की स्थिति हमने जो जिस रूप में मैनेज की है आर्थिक रूप से, उस पर आप सबको गर्व होगा, प्रदेशवासियों को। 5 साल के आर्थिक हालातों की बात करें तो राजस्थान प्रति व्यक्ति आय जो है 46.48% की बढ़ोतरी हुई है राजस्थान के अंदर। 2017-18 के अंदर प्रति व्यक्ति आय जो है, जब सरकार बीजेपी की थी तो हम देश में 30वें स्थान पर थे प्रति व्यक्ति आय के अंदर, आज हम 12वें स्थान पर आ गए हैं। ये हमारा बहुत बड़ी उपलब्धि है, 30 से 12वें स्थान पर। और 2030 तक प्रति व्यक्ति आय देश में नंबर 1 बने, ये हमारा सपना है जो हमारा मिशन 2030 है उसमें। नंबर 2, 2021 के अंदर हमारी स्टेट GDP की दर 19.50 तक पहुंच गई, जो एक दशक के अंदर सर्वाधिक है। पूरे दशक में 10 साल के अंदर 21-22 में GDP की विकास दर 90.50% तक पहुंच गई है राजस्थान की, ये सर्वाधिक है यहाँ पर एक दशक के अंदर। प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन जो है 22 के अंदर 8.10% की बढ़ोतरी हुई है, जो राष्ट्रीय दर से दुगनी है, नेशनल एवरेज से दुगनी होना बड़ी बात है उत्पादन खाद्यान्न का राजस्थान के अंदर 2022 के अंदर। बीजेपी सरकार में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 12वें स्थान पर थे हम लोग, आज हम 7वें स्थान पर आ गए। पीपल फ्रेंडली टैक्स रिफॉर्म्स के कारण से जो हमने रिफॉर्म्स किए थे उसका फायदा मिला हमें 21-22 में 24.5% और 22-23 में 16.7% की बढ़ोतरी हुई है, जो 13-14 के बाद सर्वाधिक बढ़ोतरी है टैक्स रिफॉर्म के बाद रेवेन्यू की राजस्थान के अंदर। जब रेवेन्यू आ रही है उसका फायदा हम ले रहे हैं, इसीलिए हमारी अर्थव्यवस्था इन वर्ष 15 लाख करोड़ की हो जाएगी। इन सब कारणों से हमारी अर्थव्यवस्था इस साल के अंत तक 15 लाख करोड़ की हो जाएगी और हम अगले 7 साल जो 2030 की बात की है वहां हमारा लक्ष्य 30 लाख करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार हमने बेहतर होती आर्थिक स्थिति का लाभ जो है अलग अलग योजनाओं के माध्यम जनता को दिया, ये मैं कहना चाहता हूँ। जितना भी हमारा परफॉर्मेंस है और लास्ट में आर्थिक विकास दर उत्तर भारत में राजस्थान नंबर 1 है, पूरे देश के अंदर बड़े राज्यों में नंबर 2 है, नंबर 1 आंध्र प्रदेश,
11.4% और 11.04% राजस्थान है, नंबर दो है देश के अंदर, और उत्तर भारत में नंबर वन हम लोग हैं आर्थिक विकास दर में। इसलिए हमने जो लाभ मिल रहा है, आर्थिक विकास बढ़ी है हमारी, उसका लाभ हम जनता में शेयर करना चाहते हैं और कर रहे हैं। बस ये मैं कहना चाहता हूँ। मैं खड़गे साहब से निवेदन करूँगा कि हमारे